नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में बड़ी भूमिका निभाई, जहां हमारे साथ आज लखनऊ पश्चिम से नवनिर्वाचित विधायक अरमान खान जी हैं, जिन्हें जनता का जनादेश मिला। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी दोबारा इतिहास तो रची लेकिन विपक्ष की बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी निभा रही। निश्चित तौर पर जनता ने जो अपना प्यार और विश्वास हम लोगों को दिया है, हम लोगों की सीटों में बढ़ोतरी हुई है, वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सीटों के जो आंकड़ा है उस पर हम लोग पीछे रह गए हैं, जिसके वजह से हम लोग विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन एक विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि जनता के हित के लिए एक सशक्त और जिम्मेदारी वाला विपक्ष की भूमिका निभाए, तो निश्चित तौर पर वो भूमिका हम लोग निभाएंगे। उसके लिए हम लोग तैयार भी हैं और एक नए जोश, नए हौसले, नई ऊर्जा के साथ में हम लोग 2024 की तैयारी भी शुरू कर रहे हैं, ताकि इधर जो कमी रह गई है इन दो सालों में उस कमियों को दूर करके हम लोग इस बार 2024 में पूरे उत्तर प्रदेश में जनता का विश्वास पूरी तरीके से प्राप्त करें। सर, क्या लगता है बड़ी चुनौती रहेगी विपक्ष में भूमिका निभाना? जनता ने तो एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन इसको किस तरह से निभाएंगे? देखिए, समाजवादियों का इतिहास रहा है कि जनता के हितों के लिए वो चाहे सड़क पर संघर्ष करना हुआ हो या सदन में संघर्ष करना हो, तो हम लोग कभी पीछे नहीं रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हम सरकार में हो या विपक्ष में हो, हम लोग जनता के हितों के मुद्दे हमेशा उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे, इसमें कतई किसी तरह का कोई शक नहीं है। सर, इस बार का त्यौहार आ रहा है होली महापर्व, तो अपने क्षेत्र की जनता जो पश्चिम विधानसभा की जनता ने बड़ा विश्वास जताया, उसको क्या कहना चाहेंगे और बड़ा काम क्या करने वाले हैं अपनी विधानसभा में? देखिए, जो होली का त्यौहार आ रहा है, इस पर मैं सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं कि इस होली के त्यौहार के पहले उन्होंने इस लखनऊ पश्चिम में मोहब्बत का अबीर और विश्वास का गुलाल चारों तरफ फैलाया है। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं कि जो प्रेम और विश्वास और स्नेह और आशीर्वाद उन्होंने हमें दिया है, निश्चित तौर पे वो होली के इस त्यौहार के मज़े को दुगना कर रहा है और हम सब एक साथ एकता का, सौहार्द का, भाईचारे का त्यौहार मनाएंगे। होली हम सब की है, हम सब लोग एक साथ होली मनाएंगे और जो विश्वास जनता ने दिया, जो प्यार दिया है, इस होली पर लुटाएंगे हम लोग। सदन में पहली बात, पहली समस्या अपनी पश्चिमी विधानसभा की क्या उठाने वाले हैं? देखिए, कई तरह की समस्याएं यहाँ पर हैं, क्योंकि जो पहले जनप्रतिनिधि यहाँ पर रहे हैं विभिन्न पार्टियों के, उन्होंने कभी जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया है। वो चाहे सड़कों की समस्या हो, गलियों की समस्या हो, पीने के पानी की समस्या हो, साफ़ सफाई की व्यवस्था की कमी की समस्या हो, अच्छी जो शैक्षिक संस्थान यहाँ पर नहीं है, अच्छी चिकित्सा सेवाएँ नहीं हैं और जो खेल सुविधाएँ जो यहाँ पर होनी चाहिए वो भी नहीं है यहाँ पर, तो निश्चित तौर पर सब चीज़ें हम लोगों के संज्ञान में हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग रोड मैप तैयार कर रहे हैं। जब भी विधानसभा का सत्र शुरू होगा नई सरकार के गठन के बाद में, निश्चित तौर पर ये समस्याएं हम लोग उठाएंगे और लखनऊ पश्चिम को उसका अधिकार हम लोग किसी भी कीमत पर दिलाकर रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ अरमान खान। लखनऊ पश्चिमी विधानसभा की जनता ने भरपूर सम्मान दिया और कहीं ना कहीं सदन में पहुंचाने का काम किया, लेकिन अब देखने की बात है कि सदन में पहला मुद्दा क्या उठाएंगे। वहीं होली महापर्व की शुभकामनाओं के साथ उन्होंने जनता का आभार भी व्यक्त किया। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लखनऊ।